सो वंस अगेन फ्रेंड वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स लर्न विद फन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 के लेसन नंबर 1.5 सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1.5 सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड, तो इस एक किसी प्रोजेक्ट का नाम है, ये एक कोई प्रोजेक्ट है, इसका नाम है सीइंग आईज और हेल्पिंग हैंड, मतलब देखकर मदद उठाने वाले हाथ, ठीक है, मदद करने वाले हाथ, ऐसा, ठीक है, इसका मतलब है। सो सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड ये प्रोजेक्ट है SEHH। सो एवरीवन इन न्यू विजन हाई स्कूल वाज बिजी। सो क्या हुआ था, न्यू विजन करके कोई स्कूल है, न्यू विजन हाई स्कूल करके, तो वहां के सभी लोग क्या थे, बिजी थे। किस काम में बिजी थे, द इनॉग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोजेक्ट सॉरी द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। और क्या हुआ था कि जो प्रोजेक्ट है ये सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो है उद्घाटन अगले सप्ताह में होने वाला था, ऐसा डिसीजन ले चुका गया था, ठीक है, ऐसा शेड्यूल बन चुका था। सो इट वाज गेटिंग लेट फॉर सेंडिंग आउट द इनविटेशन, और सबको इनवाइट करने के लिए जो क्या हो रहा था, बहुत ये अब लेट हो रहा था कि सबको इनवाइट कैसे किया जाए, अब अगले हफ्ते होने वाले था तो ये ज्यादा समय हो चुका था, अब देर हो चुकी थी कि कैसे सबको इनवाइट किया जाए, इनवाइट करने के लिए सबको देर हो चुका था। तो एट लास्ट द प्रिंसिपल हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द फॉर्मल इनविटेशन। सो लास्ट में क्या, प्रिंसिपल जो वहां की थी, उस स्कूल की थी, उन्होंने खुद से ही एक फॉर्मल इनविटेशन तैयार किया। तो द आर्ट टीचर एंड हर स्टूडेंट मेड कॉपीज ऑफ इट, और जो आर्ट टीचर है और जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या उसकी कॉपीज बनाया जो प्रिंसिपल मैम ने रेडी किया था इनविटेशन लेटर वो। सो हियर इज अ सिंपल ऑफ व्हाट दे डिड। सो यहाँ पे वो सिंपल है, सैंपल दिया गया है कि क्या उन्होंने किया था, उसका सैंपल यहाँ पे दिया गया। तो वी सोलिएट योर प्रेजेंस एट द इनोग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस उद्घाटन में, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन में उपस्थित होंगे। कौन से प्रोजेक्ट में, सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड प्रोजेक्ट में, एट द हैंड्स ऑफ श्रीमती बिमला नायक। सो किसके हाथों से ये होगा, श्रीमती बिमला नायक, जो कि फॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल एंड प्रेसिडेंट सहायक समझ, ठीक है, समझ। सो किसके हाथ से ये होगा, बिमला नायक जो वहां की फॉर्मल प्रिंसिपल है, किसकी, न्यू विजन हाई स्कूल की, और जो उसके इस स्कूल के प्रेसिडेंट हैं सहायक समझ, उनके हाथों से इसका जो है प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। और डॉक्टर AM चौधरी डीन है वहां के, उस डीन, न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज काइंडली एग्रीड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। सो क्या हुआ, जो न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है वो भी वहां पे उपस्थित रहेगी, ठीक है, पूरे फंक्शन में उपस्थित रहेगी। उसके बाद सो टाइम कब से कब तक रहेगा, 10 AM टू 11 AM संडे 9 जुलाई 2017 का। तो मतलब टाइम 10 से 11 बजे तक रहेगा, संडे को है 9 जुलाई को। और वेन्यू कहाँ पे आना है, असेंबली हॉल न्यू विजन हाई स्कूल ऑफ मेन स्ट्रीट गिरगांव। गिरगांव के असेंबली हॉल में आना है, कहाँ पे, किसके असेंबली हॉल पे, न्यू विजन के हाई असेंबली हॉल में आना है। और सुशासिनी अंबेडकर, ठीक है, सुशासिनी अंबेडकर प्रिंसिपल न्यू विजन हाई स्कूल, वो फॉर्मल प्रिंसिपल थी, ये प्रिंसिपल है इसकी, ठीक है। और VS अजिंक्य टीचर इन चार्ज SEHH, और इसके इंचार्ज कौन है, सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड के इंचार्ज जो है VS अजिंक्य है, और कोमल सेलकर नितिन वालके ये क्या है, इस स्टूडेंट्स के सेक्रेटरी से, सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड को गाइड करने वाले स्टूडेंट्स के सेक्रेटरी हैं। सो ये क्या है, ये फॉर्मल इनविटेशन, ये क्या था, एक फॉर्मल इनविटेशन था, सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड कैसे किसी को फॉर्मल इन्वाइट किया जाए उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। सो और यहाँ पे क्या दिया, आल्सो ए नोटिस वॉज पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इनवाइट द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स टू द इनॉग्रेशन फंक्शन। सो इस फंक्शन पे एक नोटिस तैयार जारी किया गया था स्टूडेंट को इनवाइट करने के लिए और उनके पेरेंट्स को इनवाइट करने के लिए, यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था। अब फटाफट अगले महीने में ही था इसका इनॉग्रेशन, तो इसीलिए ये सारी चीजें फटाफट की गई है। सो नोटिस क्या है, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th एंड देयर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड टू द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड एट द हैंड्स ऑफ श्रीमती बिमला नायक, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल एंड प्रेसिडेंट सहायक समझ, और डॉक्टर AM चौधरी डीन न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज काइंडली एग्रीड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, टाइम 10 AM टू 11 संडे 9 जुलाई, वेन्यू असेंबली हॉल न्यू विजन हाई स्कूल ऑफ मेन स्ट्रीट किरगांव। सो वही नोटिस जो हमने ऊपर फॉर्मल में पढ़ा था, वही यहाँ पे नोटिस में दिया गया है कि 7th के जो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनको पेरेंट्स उनको और उनके पेरेंट्स को इन्वाइट किया गया है, किसके इनॉग्रेशन, कौन से प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए,
सींग एस हेल्पिंग हैंड, जो किसके हाथों से होने वाला है, श्रीमती बिमला नायक के, कौन से किसकी प्रिंसिपल है, न्यू विजन हाई स्कूल की। उसके बाद डॉक्टर ए एम चौधरी जो है डीन है, और वो कहा जो और जो न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उसके, वो लोग भी वहां पे अवेलेबल रहेंगे फंक्शन के दौरान। 10 से 11 बजे तक फंक्शन चलेगा और असेंबली हॉल में किसके, न्यू विजन हाई स्कूल के असेंबली हॉल में आना है ये सारी। और ये क्या चीज था, ये रिटर्न नोटिस, ये क्या था, एक नोटिस को कैसे लिखा गया है वो था, ऐसे नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है। हमको ऊपर पहले फॉर्मल दिया, अब नोटिस दिया है, अब ये क्या हमको दे रहा है, ये हमको दिया है एन ओरल इनविटेशन। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सो टीचर मेड फोन कॉल टू सम स्पेशल इनवाइट्स, हियर इज अ सैंपल ऑफ सच टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो टीचर क्या करते हैं, क्या करते हैं कि एक फोन कॉल करते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, तो उसका किसी स्पेशल को इनवाइट करने के लिए, तो उसका यहाँ पे एक सैंपल दिया गया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। रिसेप्शन लिस्ट, कोई रिसेप्शन पे रहता है, कोई काम कर रहा है वहाँ पे, तो हेलो गिरगांव टाइम्स, कोई न्यूज़पेपर वाले हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि हेलो गिरगांव टाइम्स। सो टीचर क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, आई एम बिश्वास अजिंक्य फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल, कुड आई स्पीक टू योर न्यूज एडिटर मिस्टर शशांक प्लीज। सो टीचर क्या बोल रहे हैं कि मैं बिश्वास अजिंक्य बोल रहा हूँ इस न्यू विजन हाई स्कूल से, गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपके न्यूज एडिटर शशांक से बात कर सकता हूँ क्या। सो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मतलब रुकिए थोड़ा टाइम रुकिए, एक मिनट रुकिए टीचर, थैंक यू। टीचर क्या बोलते हैं, धन्यवाद। सो न्यूज एडिटर क्या बोल रहा है कि हेलो मिस्टर अजिंक्य शशांक स्पीकिंग, हाउ आर यू। सो न्यूज एडिटर क्या बोल रहा है, हेलो मैं शशांक बोल रहा हूँ, मिस्टर अजिंक्य कैसे हैं आप। सो टीचर क्या बोल रही, फाइन हाउ आर यू। टीचर बोल रहे हैं कि मैं भी ठीक हूँ, और न्यूज एडिटर से पूछ रहे हैं कि कैसे हैं आप, कैसे हैं। सो न्यूज एडिटर फाइन, न्यूज एडिटर भी बोल रहे हैं कि मैं भी फाइन हूँ। ये मिस्टर शशांक, मेरे को आपसे एक काम है, एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक काम है, रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉरी। सो आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ किसको, न्यू विजन हाई स्कूल से मैं बुला रहा हूँ। मैं कहाँ से, न्यू विजन हाई स्कूल से फोन कर रहा हूँ, आपको फोन किया हूँ। सो आवर स्कूल इज स्टार्टिंग ए न्यू सोशल वर्क प्रोजेक्ट, और हमारे स्कूल ने एक नया सोशल सामाजिक कार्य चालू किया है, प्रोजेक्ट उसके ऊपर चालू किया है। सो द इनॉग्रेशन इज ऑन द कमिंग संडे, और आने वाले संडे को उसका जो है उद्घाटन है। सो वी आर सेंडिंग यू टू द ऑफिशियल इन्विटेशन टूडे। सो हम लोग आज आपको एक ऑफिशियल इन्विटेशन सेंड कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं उस इवेंट के लिए। सो या आई सी, हाँ मैंने देखा, मुझे मालूम है। आवर आइडियाज, टीचर क्या बोलती हैं, आवर आइडियाज इज टू मेक आवर स्टूडेंट अवेयर फॉर देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारा आइडिया क्या है कि हम अपने बच्चों को जो है सोशल सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जागरूक कर सके, उन लोग को अवेयर कर सके कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में क्या है। So it will be a big project and we hope it will set a trend for all schools to follow. So ये बहुत बड़ा एक idea, एक बहुत बड़ा project है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि बाकी और दूसरे स्कूलों को भी ये प्रभावित करेगा, और ये हमको follow करेंगे, ऐसे project वो लोग भी करेंगे। So we would like your paper to cover the function prominently. सो क्या हम लोग चाहते हैं कि आपका जो पेपर है इस फंक्शन को कवर करे, ठीक है, इस पे इस जो जो घटनाएं होंगी इसको कवर करे और न्यूज चैनल में इसको दिखाए। सो न्यूज एडिटर क्या बोलते हैं, वेल दिस संडे इज गोइंग टू बी अ बिजी डे। सो दिस संडे हम लोग क्या, ये संडे क्या होने वाला है, एकदम बिजी वाला दिन होने वाला है, एकदम फुर्सत ना मिलने वाला दिन होने वाला। बट एज यू से, जैसा आप बोल रहे हैं, द प्रोजेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ये प्रोजेक्ट भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ठीक है, काम है। सो इट शुड गेट गुड पब्लिसिटी, और ये क्या, एक अच्छी पब्लिसिटी उनको, हम न्यूज चैनल वालों को क्या चाहिए, उनको एक अच्छी खासी पब्लिसिटी चाहिए, तो बोल रहे हैं हाँ ये हमको पब्लिसिटी दिला सकती है, ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप, ये हमको अच्छी खासी पब्लिसिटी देगी। सो व्हेन डिड यू से इज द फंक्शन, तो कब कहा आपने फंक्शन का भाई, कब क्या, कब फंक्शन है ये, आपने कब कहा। सो टीचर दिस संडे एट 10 इन द मॉर्निंग, सो क्या इसी रविवार को जो आने वाला संडे उसी को, और कब, 10 बजे, सुबह 10 बजे। सो न्यूज एडिटर फाइन आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट, ठीक है मैं एक नोट बना लूंगा उसके लिए। टीचर क्या बोलती है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये क्या था, ओरल इन्विटेशन था, सी एन ओरल इन्विटेशन, ओरल इन्विटेशन, फोन से हमने कॉल किया और कॉल करके इन्होंने इन्वाइट कर दिया इसको, किसको, न्यूज वाले को, ऐसा इन्फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि स्टूडेंट पास्ड ऑन द मैसेज टू देयर पेरेंट्स, हियर्स अ सिंपल। अब कैसे स्टूडेंट लोग अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को पास करते हैं जो इन्विटेशन, तो वो यहाँ पे सिंपल उसका दिया गया। सो मम्मी, यू एंड डैडी आर इन्वाइटेड टू आवर स्कूल ऑन संडे द 9th, सेड समीर। सो क्या हुआ, संडे को आप और मम्मी, मम्मी को समीर क्या बोलता है, संडे को 9 बजे आप लोग दोनों जन, मम्मी पापा आप दोनों जन इनवाइट किए गए हो हमारे स्कूल में संडे को 9 बजे। सो व्हाट द ओकेशन, क्या है, किस बात पर, किस पर्व पर हम लोग को इनवाइट किया गया है। आवर स्कूल इज गोइंग टू रन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड सीइंग आइस हेल्पिंग हैंड। सो हमारे प्रोजेक्ट जो है, एक हमारे स्कूल जो है एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहा है जिसका नाम क्या है, सीइंग आइस हेल्पिंग हैंड चालू करने वाला है। सो देयर्स अ फंक्शन टू इनॉग्रेट इट ऑन संडे एट 10 sharp, ठीक है। सो हमारा जो है स्कूल वाला चालू करने वाला सीइंग आइस हेल्पिंग हैंड प्रोजेक्ट, सो इसका फंक्शन, इसका रिसेप्शन के लिए उन्होंने 10 बजे, करेक्ट 10 बजे जो है संडे को ये इसका उद्घाटन का समय रखा है, ठीक है, संडे को। सो स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड आर इन्वाइटेड विद देयर पेरेंट्स। सो 7वीं कक्षा के जो स्टूडेंट है वो उनके पेरेंट्स के साथ इन्वाइट किया गया, हमने ऊपर वाले नोटिस में ही देख लिया था। सो वेयर इट इज, कहाँ पे है ये, मम्मी पापा उसके पूछते हैं। सो इन द स्कूल असेंबली हॉल, कहाँ पे, असेंबली हॉल में, स्कूल की असेंबली जो हॉल है उसी के अंदर होगा ये। सो हाउ लॉन्ग इट विल बी, सो कितना लंबा चलेगा ये, कि कब तक रहेगा ये। सो अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, ऐसा बोलता है। सो मिस्टर नायक विल बी देयर टू, सो सी इज गोइंग टू इनॉग्रेट इट, और जो उनकी प्रिंसिपल मैम थी, मिस्टर नायक मैम, सॉरी प्रिंसिपल सर थे, वो भी वहां पे रहेंगे उसको उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। सो आई सी एंड व्हाट्स दिस प्रोजेक्ट अबाउट, सो हाँ अच्छा ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किसके बारे में, ऐसा करके उनके मम्मी पापा पूछते हैं उनसे। सो वी आर ऑल गोइंग टू विजिट प्लेस एंड वर्क फॉर अदर्स टर्न बाय टर्न। सो हम लोग क्या, हम लोग दूसरे से मिलने जाएंगे, उसको देखने जाएंगे, अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे, और उनके लिए जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हम लोग बारी से बारी बारी काम करेंगे, उन लोग के लिए जो लोग रहेंगे, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे और हम लोग दूसरों के लिए काम करेंगे। सो दे विल एक्सप्लेन दैट ऑन संडे, सो आपको, आप वहाँ पे आइए, वो लोग आपको अगले संडे को जो है एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे वहाँ पे। सो यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट आर नॉट यू, सो क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो या नहीं। यस मम्मी, मम्मी उनकी पूछती है कि हाँ, तो वो बोलता है हाँ मम्मी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी डैडी आई एंड आई कांट बोथ गो बट वन ऑफ अस विल अकंपनी यू। सो अब देख बोल रहे हैं, उसकी मम्मी बोल रही है ठीक है देखते हैं, लेकिन डैडी क्या, आप डैडी तो नहीं आ सकते, लेकिन हम दोनों में से कोई ना कोई तो एक आएगा ही आपके साथ, आपके साथ जो है कंपनी देने आपको, कोई ना कोई हमारे, हम दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। पापा बिजी पर्सन, मम्मी तो खाली रहेंगी, तो मम्मी बोलती है कि ठीक है हम दोनों में से, अगर दोनों तो नहीं आ सकते लेकिन हम दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही। सो दैट वुड बी नाइस बिकॉज मिस्टर अजिंक्या हैज स्पेशली आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट टू टेल देयर पेरेंट्स अबाउट इट। सो अब हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो अजिंक्या है उनके सर जो है उन्होंने बोला था कि अपने पेरेंट्स को ये सारी चीजें, बातें अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा आप लोग। सो डी अनदर ओरल इन्विटेशन, सो ये क्या था, दूसरा ओरल इन्विटेशन था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया गया, हमको जो है इनविटेशन कैसे दिया जाए, इनवाइट कैसे किया जाए, लेटर्स कैसे लिखे जाए, नोटिस कैसे लिखे जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सो इस एक प्रोजेक्ट था, कैसे लोगों को फंक्शन पे इनवाइट किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हिंट दिया गया था। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।